हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम की। इससे पहले के वीडियो में आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑल्सो। सो अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्लक्स का मीनिंग होता है फ्लो। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे सपोज हम कोई पाइप लेते हैं और पाइप में आप टैप ऑन करते हो, पानी आता है। तो पानी जब निकलता है, जो फ्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाटर फ्लक्स या फ्लक्स। फ्लक्स मतलब फ्लो होना। तो वहां पे वाटर फ्लो हो रहा है या वाटर निकल रहा है थ्रू डेट एरिया, थ्रू डेट पाइप, तो हम उसे बोलते हैं वाटर फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से लिंक्ड या किसी पर्टिकुलर एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले आप एक एग्जांपल लो। सपोज एक है समरसेबल का मोटा सा पाइप और एक है हमारा नॉर्मल जो पाइप होता है पतला वाला, ठीक है। अब दोनों में आपने जो भी टैप से कनेक्टेड है उसे ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद जब पानी निकलेगा तो किस में ज्यादा पानी निकलेगा? ऑब्वियसली समरसेबल वाले मोटे पाइप में ज्यादा पानी निकलेगा, ठीक है। अब जब वो मोटा पाइप में जो पानी निकलेगा, ज्यादा पानी निकलेगा, तो ये जो पानी का फ्लक्स है, ये जो वाटर फ्लक्स है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये हमें समझना है पहले, तभी हम इजीली समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जब पानी निकलेगा तो देखो ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला तो है प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर अगर पीछे से ज्यादा आ रहा है, जहां भी आपने टैप खोली है, वो मान लो आपने थोड़ी सी खोल दी, तो क्या होगा, पाइप का एरिया भले ही ज्यादा है, फिर भी जो पानी निकलेगा वो कम निकलेगा, ठीक। लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो उसी एरिया से, उसी पाइप से पानी जो है वो ज्यादा निकलेगा। तो पहला फैक्टर तो है जिसपे डिपेंड करेगा वो है प्रेशर, और दूसरा फैक्टर है जिसपे डिपेंड करेगा वो है एरिया, जिस एरिया से पास हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि मोटा पाइप है, अगर उसके लिए सफिशियंट प्रेशर है तो मोटे पाइप से ज्यादा पानी निकलेगा क्योंकि उसको ज्यादा एरिया मिल रहा है। पतला पाइप है, कम एरिया है तो कम पानी निकलेगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। सपोज किसी भी कोई भी सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस एरिया है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो किसी पर्टिकुलर एरिया से निकलने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, डेंस होंगी, और जब डेंस होंगी तो क्या होगा, कम एरिया में ज्यादा लाइंस होंगी, है ना। अब सपोज एक इक्वल दो एरियाज ले लेती हूं मैं, ठीक है, दो इक्वल एरियाज हैं। अब यहां पर कुछ इस तरह से, और इसमें मान लेते हैं, ठीक है, तो इस इक्वल एरिया, दोनों इक्वल है, इसमें 1 2 3 सिर्फ 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इक्वल एरिया से, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। क्लियर है इतनी बात? तो जो फ्लक्स होगा, इसका फ्लक्स कम है और इसका फ्लक्स ज्यादा है, तो जो फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करा, पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड
उतना ही पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और कम एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर है डेट इज एरिया। ठीक है, मींस अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कह रही हूं कि भाई बहुत डेंस है, बहुत पास पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट आपका जो सरफेस एरिया है वो छोटा है। सरफेस एरिया छोटा है, एक सरफेस एरिया आपने ये ले लिया, एक सरफेस एरिया ये ले लिया, इससे सिर्फ चार पास हो रही है, इससे सिक्स पास हो रही है, मींस यहाँ इसका फ्लक्स ज्यादा है, इसका फ्लक्स कम है, तो किस पर डिपेंड कर रहा है? सरफेस एरिया पर या एरिया पर? जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। फर्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड सेकेंड वन इज एरिया। डेट मीन्स फ्लक्स का मैग्नीट्यूड या फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी। फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई इज इक्वल टू होगी ई इंटू, अगर मैं यहाँ डेल्टा ले लूँ एक स्मॉल फैक्टर के लिए, ई इंटू डेल्टा एस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि फ्लक्स जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, मतलब दोनों का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है। दोनों ज्यादा होंगे तो ज्यादा होगा, एक ज्यादा है लेकिन दूसरा कम है किसी सिचुएशन के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दोनों का जो फ्लक्स है वो क्या है? दोनों का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है, इसीलिए इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक, अब बात आती है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया सिंपली नंबर है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। एक एरिया है, किसी भी डायरेक्शन में इससे फील्ड लाइंस निकले। अगर मान लो सपोज एक ये एरिया है और एक ये एरिया है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं सपोज फोर, और इस डायरेक्शन में फोर, तो दोनों का फ्लक्स तो सेम ही होगा। इससे भी फोर निकल रही है, इससे भी फोर निकल रही है, मीन्स ये कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट अब आप कहेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है तो, और ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये स्केलर कैसे है? और एरिया, यहां पर अगर आप एरिया की बात करो तो एरिया जो होता है जनरली हम उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं उसका, जनरली उसको एज अ स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, बट यहाँ पर जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। अगर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तभी वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जो एरिया है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा। तो डेल फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डेल एस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। क्लियर है? ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, डेल फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या ई डॉट डेल एस। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात आती है एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की, कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले तो ये समझते हैं कि डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। नॉर्मल हम एरिया को जैसे हमेशा स्केलर क्वांटिटी मान के चलते हैं, ऐसा क्यों नहीं मान रहे? उसकी डायरेक्शन की क्या जरूरत है? देखो, फिर से मैं पाइप का एग्जाम्पल लूँ। ठीक, सपोज इस तरह से ये पाइप है, यहां से पानी निकल रहा है। ठीक है, अब एक बार मैंने सपोज एक अपना हाथ ही ले लिया। ठीक है, अब मैंने हाथ इस तरह से रखा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो। समझ में आ रहा है? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, क्या ये वाटर फ्लो मेरे हाथ को भिगा पाएगा? नहीं भिगाएगा, क्योंकि ये क्या है? पैरेलल है। अगर मेरे हाथ को भिगाना है तो मुझे कैसे रखना पड़ेगा? परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। अगर इस तरह से वाटर फ्लो हो रहा है, मैंने ऐसे परपेंडिकुलर अपना हैंड रखा है, तो ये वाटर फ्लो डेफिनेटली मेरे हाथ को भिगाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरीके से आती हैं, इस डायरेक्शन में आ रही हैं, और अगर मैंने यहीं इसी के पैरेलल डायरेक्शन में कोई सरफेस रख दी,
देन नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल लिंक विद द सरफेस, इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक नहीं करेगी, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, एरिया भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, बट स्टिल नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट अगर यही सरफेस मैंने कैसे रख दिया, उसके परपेंडिकुलर रख दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको लिंक करेंगी, डेफिनेटली क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से लिंक करेगा। तो क्या होना चाहिए कि जो आपका प्लेन है, जो आपका सरफेस है, वो कैसे रखा होना चाहिए, नॉर्मल रखा होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बनती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर एरिया प्लेस्ड नॉर्मली टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन कहती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब पूरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्लियर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहा है, जो कि कैसे रखा है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की। अब देखिए, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस तरीके से इसके नॉर्मल रखा है क्या, सरफेस। ठीक, अब ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसीलिए यहाँ क्या होना चाहिए, डेल फाई इज इक्वल टू ई डेल एस कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, कॉस थीटा, ई डेल एस कॉस थीटा। अब ये जीरो होगा कब, जब थीटा 90 डिग्री होगा, मींस इसके और इस एरिया वेक्टर के बीच की डायरेक्शन 90 डिग्री होगी, और मैक्सिमम होगा कब, जब 0 डिग्री होगी, मींस सेम डायरेक्शन में होगा। और ये सेम डायरेक्शन में कब होगा एरिया वेक्टर, जब ये अपने सरफेस के प्लेन से नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इसीलिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा अपने प्लेन के आउटवर्ड नॉर्मल होगी। कैसी होगी, नॉर्मल आउटवर्ड। जैसे अगर इस बोर्ड के प्लेन की बात करें, तो इसके एरिया, इसका जो सरफेस एरिया, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्मल आउटवर्ड, नॉर्मल प्लेन से नॉर्मल एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, तो ये बोर्ड का प्लेन क्या हो गया आपका, एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इन जेड डायरेक्शन। क्लियर, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, तो यहां तक आपने क्या पढ़ लिया, पहली चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस, डेल फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल एस, या हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है, या ई डी एस कॉस थीटा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी,
एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड, हमेशा नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एस आई यूनिट की अगर हम बात करें, एस आई यूनिट क्या होगी? ई ई क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलाम, और डेल एस हो गया आपका मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट लिखी जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, डायमेंशन की बात करूं मैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? न्यूटन एम एल टी माइनस टू, मीटर स्क्वायर एल टू, कूलाम ए टी, ये हो जाता है एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सारी चीजें देखी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बराबर होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस, यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, अब बात करते हैं गॉस थ्योरम के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं गॉस थ्योरम क्या है। चलिए, गॉस थ्योरम ए यू डबल एस थ्योरम। ठीक है, अब देखो गॉस थ्योरम क्या है। गॉस साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस है उससे लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स या उसको लीव करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 1/ε0 टाइम्स होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मीन सपोज ये कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि सरफेस सिर्फ क्लोज्ड होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। क्लोज सरफेस है वेदर कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फ्लक्स बराबर ही निकलेगा। आप ये शेप ले लो, आप ये ले लो, या आप एक स्फेरिकल सरफेस ले लो, आप एक पैरेललोपाइप स्ट्रक्चर ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी शेप हो, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल या कोई भी रैंडम, बस वो कैसी होनी चाहिए? क्लोज सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे हमेशा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सेम ही होगा। तो अगर मैं ये कोई रैंडम सरफेस ले लूं, इस रैंडम सरफेस को एनक्लोज कर रहा है ये रैंडम सरफेस एक चार्ज को, एक चार्ज इसमें क्यू रखा हुआ है। ठीक है, एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो गॉस थ्योरम कहती है कि इससे निकलने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई वो होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है उसका 1/ε0 टाइम्स। ठीक है, तो आप एक चीज और समझ लो, अगर मान लो एक चार्ज यहां और रखा होता, सपोज कैपिटल क्यू, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये सरफेस के अंदर है तो ये आपको फ्लक्स देगा, नेट फ्लक्स में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, बट अगर ये सरफेस के बाहर है तो इसका नेट फ्लक्स में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। इसका रीजन ये है कि जब बाहर चार्ज रखा हुआ है, मान लो ये पॉइंट चार्ज है, तो इससे कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है,
जनरली बुक्स में आपको ये रीजन नहीं मिलेगा, बुक्स में सिर्फ डेफिनेशन दे देते हैं कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट, बट रीजन आप समझ लो। ये इस तरीके से पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो क्या होगा कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस सरफेस को, सरफेस में एंटर करेंगी, उतनी ही फील्ड लाइन्स इस सरफेस से बाहर भी निकलेंगी, क्योंकि बाहर रखा हुआ है चार्ज, ठीक। तो क्या होगा, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। बट जब चार्ज अंदर रखा है तो क्या हो रहा है, सारी फील्ड लाइन्स अंदर से बाहर जा रही हैं, एंटर नहीं कर रही, उसकी वजह से एंटर नहीं कर रही, सिर्फ बाहर जा रही है, यानी कि वहां पर कुछ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि सरफेस को लीव कर रहा है। इसीलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, लीव करेगा या लिंक होगा, वो होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। तो डेफिनेशन देख लेते हैं जरा, डेफिनेशन क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या कहता है गॉस थ्योरम का, इट स्टेट्स दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया, मैथमेटिकली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, फाइ इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में। इसको हम प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम को बाय द हेल्प ऑफ आपका कूलम्स लॉ, ठीक है। तो प्रूफ की अगर आप बात करते हो तो प्रूफ करते हैं, सपोज एक चार्ज। अच्छा, अब इसके प्रूफ या इसके न्यूमेरिकल करने से पहले आपको एक चीज और समझनी है। यहां पर एक टर्म आता है गॉसियन सरफेस, ठीक है। क्या टर्म है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब क्या है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है, जिसको गॉस ने इमेजिन किया। क्योंकि हम गॉस लॉ या गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इसका नाम रख दिया गॉसियन सरफेस। दिस इज जस्ट एन क्या कह सकते हो आप, इमेजिनरी सरफेस है। अब देखो ये होती क्या है, मान लो अभी तक आप सिर्फ पॉइंट चार्ज पढ़ रहे हो, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन सपोज आपको अभी, आप आगे जब इसके एप्लीकेशंस पढ़ोगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो लेक्चर भी जरूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना। क्योंकि हर साल आपको उनमें से, वो तीन एप्लीकेशंस हैं, उनमें से एक एप्लीकेशन हर साल आपको बोर्ड में मिलता है, ठीक है। तो वहां पर हम जब कंटिन्यूस बॉडी की बात करते हैं, तो अगर आपको उसकी वजह से नेट फ्लक्स चाहिए तो आपको क्या चाहिए, गॉस लॉ कब एप्लीकेबल है, जब एक क्लोज सरफेस चाहिए, क्लोज सरफेस होगी, ठीक है। सिर्फ क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स ही गॉस लॉ बताता है, इसके अलावा तो कुछ बताता नहीं है। तो हम एक जो क्लोज सरफेस को कंसीडर करते हैं, इमेजिन करते हैं, वो इमेजिनरी सरफेस होती है गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो जैसे यहां पर अगर मैं प्रूफ करूं, ये मान लो मेरा एक चार्ज है क्यू, ठीक। अब मुझे कुछ इस पॉइंट पर बात करना है, तो यहां पर हमने क्या करा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली, जो कि कैसी है, क्लोज्ड है, ठीक। और ये जो, इसको थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है। और यहां से इसकी डिस्टेंस है आर, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें फ्लक्स निकालना है इस सरफेस से निकलने वाला, और प्रूफ करना है कि वो फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू,
चार्ज एनक्लोज्ड बाय द वॉशिंग सरफेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे एक हमने इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर ली। ठीक है, वो क्या है, ये आपकी क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस है। ठीक, चलिए तो अब क्या करते हैं, सपोज स्फेरिकल सरफेस का मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया और इसको मैंने कहा ये छोटा सा एलिमेंट है, मैं इसे डी एस मान लेती हूँ, ये हो गया डी एस। चलिए अब यहाँ पर अगर देखें इस क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। चलो, या आप डायरेक्शन अगर आप देखना चाहो तो देखो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। डी एस अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो भी क्या होती है, नॉर्मली आउटवर्ड, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक, तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो थीटा एंगल बनता है वो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। नाउ डी फाई, डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस, डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट डी एस, या आप कह सकते हो डी एस कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री, इसीलिए हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस 0 1। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं एस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब ये क्या है, ये तो सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से है, हमें चाहिए क्या, नेट फ्लक्स चाहिए इस पूरे सरफेस के लिए। टोटल निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस, फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू। अब देखो क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन में क्या रह गया, डी एस, डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr2, 4π से 4π कैंसिल, r2 से r2 कैंसिल, एंड फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गॉस लॉ या गॉस थ्योरम है, जिसको हमने किसकी हेल्प से प्रूफ किया है, कूलम्स लॉ की हेल्प से। मीन्स कूलम्स लॉ पहले से ही आपको पता है कि हम विद प्रूफ चल रहे हैं, कूलम्स लॉ हमने देखा हुआ है, और कूलम्स लॉ की हेल्प से हमने क्या कर दिया, गॉस लॉ को, गॉस थ्योरम को प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड उसका प्रूफ देख लिया। अब देखते हैं इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। अब अगेन जो मैं न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ, बेसिकली आपके सिलेबस में दो ही टाइप के आते हैं, या तो क्यूब का आता है या फिर सिलेंडर का आता है, बट रिपीटेडली आते हैं, आप ये कह सकते हो कि ऑल्टरनेट मान सकते हो, या तो रेगुलर आता ही है हर साल, और नहीं तो एक साल बीच में छूट जाएगा, लेकिन रिपीटेडली आता है, तो उस न्यूमेरिकल को अच्छे से देखना और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आगे प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये सॉल्व एग्जाम्पल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट्स आर ई एक्स इज इक्वल टू एल्फा एक्स की पावर 1/2, ई वाई जेड इज इक्वल टू 0, इन विच एल्फा इज 800 न्यूटन पर किलोमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट में द फ्लक्स फाई थ्रू द क्यूब, सेकेंड चार्ज विद इन द क्यूब। ठीक है, तो इस टाइप के फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए मैं कुछ आपको स्टेप बता रही हूँ, आप उसी स्टेप से करना तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो आप ये देखो कि कितने फेसेस हैं, जो सरफेस आपको दी है उसके फेस कितने हैं, कितने एरिया वेक्टर से मिलकर वो बनी हैं। तो जब हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं।
फ्रंट बैक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है, सिक्स फेस होते हैं। यहाँ पर मैं देखूँ तो देखो, एक हम इसको बता सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्रंट है तो फोर्थ बैक होगा, फिफ्थ टॉप एंड सिक्स बॉटम, कुछ इस तरह होंगे। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो फेसेस एरियाज। सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर्स। जितने भी फेसेस हैं उन फेसेस के एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, हमेशा मैंने आपको बोला है कि नॉर्मली आउटवर्ड, अब जैसे अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब का लेफ्ट वाले फेस की बात कर रहे हैं, ये इस तरह होगा, तो इसके नॉर्मल और आउटवर्ड क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, और जो राइट वाला फेस होगा उसके नॉर्मल आउटवर्ड ये वाली डायरेक्शन होगी। यानी इस लेफ्ट फेस के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, इसको मैं मान लेती हूँ सपोज डीएस वेक्टर की डायरेक्शन, और इसके लिए ये होगी, ठीक है। टॉप वाले के लिए आउटवर्ड नॉर्मल ये होगी और बॉटम वाले के लिए ये होगी। फ्रंट वाले के लिए आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड, या आप कॉपी पे कर रहे हो तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, एंड बैक वाले के लिए इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर या इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। सारी डायरेक्शंस आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या है, अल्फा एक्स की पावर 1/2 ई एक्स, एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे आपको सिर्फ ई एक्स दिया है एक्स डायरेक्शन में, ई वाई और ई जेड दोनों जीरो है, ठीक है। ई वाई ई जेड कैसे हैं, जीरो है, हमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन से मतलब है, ठीक। तो पहले स्टेप में आइडेंटिफाई द एरिया वेक्टर्स, सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर्स, एंड थर्ड स्टेप में अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड फोर्थ स्टेप इज फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच एरिया सेपरेटली, हर एरिया से सेपरेटली निकालना है, ठीक है। चलो फर्स्ट एरिया की बात करते हैं, फॉर फर्स्ट सरफेस फाई वन मान लेती हूँ। फाई वन क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, ई की डायरेक्शन आपको दिख रही है एक्स में, डी एस की डायरेक्शन दिख रही है, दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल जीरो डिग्री, जीरो डिग्री है तो फाई वन इज ई डी एस कॉस जीरो मीन्स ई डी एस, फाई वन इज ई की वैल्यू मैग्नीट्यूड इज गिवन अल्फा एक्स की पावर 1/2, अल्फा इज 800, एक्स की पावर 1/2, एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है। तो देखो अगर हम स्पेस की बात करें तो ए ये है और ए ये है। देखो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलता है जिसमें ई जो होता है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर एक्स का फैक्टर नहीं आता, सिर्फ कांस्टेंट है। सपोज ई इज इक्वल टू आपको 400 दे दिया, 200 दे दिया, 300 दे दिया, कुछ भी दे दिया बट कांस्टेंट है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ई की वैल्यू पुट करनी है। बट इसीलिए ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ कराया है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का, या ये आप कह सकते हो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस टाइप से, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ई जो है वो वेरी कर रहा है एक्स के साथ। तो इस चीज को समझो कि अगर वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप कांस्टेंट वैल्यू रखोगे, एरिया की वैल्यू लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे। बट यहाँ आपको एक्स की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू फर्स्ट वाले सेकेंड वाले सरफेस के लिए देखें तो सिर्फ क्या है ए, क्योंकि ये यहाँ पर है, बट इस फर्स्ट वाले के लिए क्या है ए और ए 2a, तो x की वैल्यू लगाओगे आप 2a पावर 1/2 इंटू डी एस एरिया वेक्टर। क्यूब है तो क्यूब का जो एक फेस होता है वो स्क्वायर इन शेप होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। सो फाइव वन इज 800 रूट 2 ए की पावर 2 एंड 1/2 दैट इज 5/2, ये मैंने इक्वेशन वन, ठीक। नाउ अब बात करते हैं फॉर सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस की अगर आप बात करते हो तो फाई टू क्या होगा, ई डी एस अगेन कॉस थीटा। अब डायरेक्शन देखो, डी एस की डायरेक्शन आपको दिख रही है रेड कलर में मैंने बनाई है, इस डायरेक्शन में है नेगेटिव एक्स में,
ई की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में, क्यों कितना एंगल हो गया 180 डिग्री, तो ये हो गया फाइ टू इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 180 डिग्री। ई की वैल्यू एल्फा, एल्फा की वैल्यू गिवन है 800 इंटू एक्स की पावर 1/2, अगेन एक्स, अब एक्स आपका यहाँ पर क्या होगा ए, ए की पावर 1/2, एरिया है ए स्क्वायर एंड कॉस 180 माइनस 1, ये हो गया माइनस 800 ए की पावर 5/2। ठीक है, फर्स्ट से आ गया, सेकेंड से आ गया, थर्ड की बात करते हैं। फॉर थर्ड सरफेस फाइ थ्री अगेन ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा, थर्ड वाले की बात करो आउटवर्ड, ई आपका इस तरह से है एक्स डायरेक्शन में, लेकिन इसके लिए एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में है, एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, ई डी एस कॉस 90 क्या हो गया जीरो। सेम फॉर फोर्थ सरफेस, अगर आप यहाँ फोर्थ सरफेस की बात कर रहे हो तो फोर्थ सरफेस के लिए नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एक्स में है ई की डायरेक्शन, अगेन 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, तो फाइ फोर भी आप कह सकते हो ई डी एस कॉस 90 एंड अगेन जीरो। फिफ्थ की बात करते हैं, फॉर फिफ्थ सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वाई एक्सिस में है, ई की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, अगेन 90 डिग्री, क्योंकि ई वाई ई जेड जीरो है, अगर ई वाई ई जेड की भी कुछ वैल्यू होती कुछ तो आप उसके रिस्पेक्ट में ले सकते थे, बट यहाँ पर ई जो है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइ फाइव एंड सिमिलरली फाइ सिक्स भी नेगेटिव वाई और एक्स 90 डिग्री, तो क्या हो गए जीरो। तो नेट फ्लक्स की अगर आप बात करें तो नेट फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू क्या होगा फाइ वन प्लस फाइ टू प्लस फाइ थ्री प्लस फाइ फोर फाइ फाइव एंड फाइ सिक्स, क्योंकि यहाँ पर सिक्स सरफेसेस हैं, तो फाइ इज इक्वल टू 800 रूट टू ए की पावर 5/2 माइनस 800 ए की पावर 5/2, फाइ इज इक्वल टू 800 ए की पावर 5/2 रूट टू माइनस 1। ठीक है, ये क्या आ जाता है नेट फ्लक्स। सेकेंड पार्ट तो बहुत सिंपल है, अगर फर्स्ट पार्ट हो जाता है चार्ज विद इन द क्यूब, तो आपको पता है फाइ इज इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो चार्ज हो गया फाइ इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज इक्वल टू फाइ की वैल्यू है 800 ए की पावर 5/2 रूट टू माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, मैंने आपको पहले भी कहा दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो क्यूब से मिलेगा या सिलेंडर से मिलेगा, क्यूब का मैंने एक पैटर्न करा दिया है, आप और प्रैक्टिस करो। इसके अलावा एनसीईआरटी में ही एक और क्वेश्चन दिया है जो कि सिलेंडर बेस्ड है, ठीक है, वहां पर सरफेस जो है वो सिलेंड्रिकल सरफेस है, आप उसको भी सॉल्व करो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कंसीडर डेट क्वेरीज इन द नेक्स्ट वीडियोज। ओके, इफ यू फाइंड द वीडियोज यूजफुल टू यू तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।